हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी हाउ टू कट कॉल का। घर बैठे ही आप लोग कैसे कॉल का कट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक बिंदी ले लिया है एंड एक पेंसिल और एक वाइट कलर का पेपर। तो पहले बिंदी के चारों तरफ से आप देख रहे हो मैं छोटा छोटा डॉट बना रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा, हम लोग घर बैठे ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कॉल का कट सीख सकते हैं। अगर आप कोई बंगाली ब्राइड को सजा रहे हो या फिर कोई रिसेप्शन लुक के लिए सजा रहे हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर तरीके से कॉल कार्ड आना चाहिए। तो इसका कुछ बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग पेंसिल के साथ आर्ट करना सीखेंगे कि आर्ट होता कैसे है, ठीक है। तो आप लोग आगे देखते रहिए। इस तरीके से मैं एक थोड़ा सा एक सिंपल सा डेमो बना के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग शुरुआती में प्रेजेंट कर सकते हो इस कॉल कार्ड को। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने छोटा छोटा ऐसे डिज़ाइंस बना लिया है। तो आपको इस टाइप का डिज़ाइन एक्स्ट्रा करके बना के भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि पहला मैंने एक जो हम लोगों का कॉमा टाइप का होता है वो क्वेश्चन मार्क से कैसे इसे पैडल्स बनाना है। तो ये सब पैडल्स आप लोग पहले थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब आप लोग डिज़ाइन बनाएंगे तो ईजिली आपको डिज़ाइन मतलब आएगा कि किसके बाद क्या देना है। तो आप लोग इस टाइप का पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मैं एक प्रॉपर तरीके से पेंसिल की मदद से मैं दिखाऊँगी एक प्रॉपर कॉल कार्ड कैसा होता है, ठीक है।
उसके बाद मैंने लिया है एक ब्लैक कलर का आर्ट पेपर, एक छोटा सा लाल कलर का बिंदी, आप कोई भी कलर का ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम लोग ले लेंगे पेंटिंग ब्रश, जो छोटा सा मतलब ब्रिसल वाला हो वही ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फेब्रिक की मदद से इस पेपर के ऊपर आर्ट करना सीखेंगे। तो आप लोग देखिए, पहले हम लोग पेंसिल से किया, अभी इसको कलर से करना है। तो बेसिकली हम लोग जब फोरहेड पे करते हैं तो कलर से ही करते हैं, तो पहले पेपर पे प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको फोरहेड पे करने के लिए। क्योंकि फोरहेड पे डायरेक्टली करने जाओगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करोगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेपर में भर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डिज़ाइन उठा लीजिए, गूगल पे आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा, तो आप डिज़ाइन उठाइए एंड सिंपल से तरीके से घर बैठे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।
तो गाइस इस तरीके से आप लोग पहले पेन और पेपर के साथ कीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे आर्ट पेपर पे और फैब्रिक के साथ। घर बैठे आपको प्रैक्टिस करते करते आपके हाथ में बहुत अच्छा फ्लो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फोर हेड के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लव यू ऑल गाइज़।